आज हम जिस तरीके से गुलाब जामुन बनाएंगे उसमें ना हम मावा डालेंगे ना मिल्क पाउडर डालेंगे, फिर भी हमारे गुलाब जामुन ना फटेंगे ना चपटे होंगे, बिल्कुल हलवाई स्टाइल गुलाब जामुन बनेंगे। आज हम गुलाब जामुन बनाएंगे सूजी से, तो चलिए बनाते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मंजूस किचन। मंजूस किचन में आपका स्वागत है। कहिए कैसे हैं आप। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और बेल आइकन को दबाइए जिससे नए नए वीडियो आप तक पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रेसिपी। गुलाब जामुन बनाने के लिए सबसे पहले जो हम सूजी लेंगे वो बारीक सूजी ही लेंगे, क्योंकि मोटी सूजी को चाहे जितना भी ग्राइंड करेंगे वो अच्छी तरह से बारीक नहीं होती। हम गुलाब जामुन बनाने के लिए 150 ग्राम सूजी लेंगे और जिस कटोरी के नाप से सूजी ली है उसी कटोरी के नाप से हम चाशनी भी बनाएंगे और दूध भी डालेंगे। तो चलिए बनाते हैं। सबसे पहले हमें सूजी को भूनना है। इसको 3-4 मिनट तक ही भूनना है, इसका कलर चेंज नहीं करना है, बस कच्चापन निकल जाए उतना ही भूनना है। बिल्कुल लो फ्लेम पर भूनना है और लगातार चलाते रहना है। 3-4 मिनट हो चुके हैं, देखिए हमारी सूजी का कलर चेंज नहीं हुआ है और कच्चापन भी निकल गया है। अब सूजी को एक प्लेट में निकाल लेंगे जिससे ये ठंडी हो जाएगी। हमारी सूजी ना जले ना चिपके इसके लिए हम मोटे तले की कढ़ाई लेंगे और सबसे पहले 1 चम्मच घी डालकर चारों तरफ से फैला लेंगे जिससे हमारी सूजी चिपकेगी नहीं। हमने इसी कटोरी के नाप से सूजी ली थी और इसी कटोरी के नाप से सूजी का दुगना 2 कटोरी दूध डालेंगे और गरम करेंगे। आप कोई भी दूध ले सकते हैं जो आपके पास अवेलेबल हो और इसमें 1/2 चम्मच कुटी हुई इलायची डालेंगे जिससे इसमें खुशबू हो जाएगी और पता भी नहीं चलेगा कि हम सूजी से गुलाब जामुन बना रहे हैं। और दूध में उबाल आने से पहले हम सूजी डाल देंगे और थोड़ी थोड़ी करके डालेंगे। देखिए हमारे दूध में उबाल आने ही वाला है। अब एक हाथ से डालते जाएंगे और एक हाथ से चलाते जाएंगे और ये काम बिल्कुल लो फ्लेम पर करना है, लगातार चलाते रहना है जिससे गांठे ना पड़े। अगर कुछ गांठे पड़ भी जाती हैं तो उसे मैश करते समय निकाल देंगे। हमको बिल्कुल गाढ़ा होने तक पकाना है। देखिए हमारी सूजी एकदम गाढ़ी हो चुकी है, लग रहा है ना बिल्कुल मावा की तरह। अब इसको एक बर्तन में निकाल लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, हमारी सूजी का मावा बन चुका है और ये थोड़ा ठंडा हो जाएगा तो उसके बाद मथेंगे। इतने हम अपनी चाशनी तैयार कर लेते हैं। जिस कटोरी से हमने सूजी नापी थी उससे 2.5 गुना हम चीनी लेंगे और 2.5 गुना पानी डालेंगे। और वैसे वजन के हिसाब से हमने 500 ग्राम चीनी ली है, ये मैं 1 कटोरी पानी डाल रही हूँ और 1.5 कटोरी पानी और डालेंगे। और 1/2 चम्मच कुटी हुई इलायची डालेंगे। हमें एक तार की चाशनी नहीं बनानी, उससे कम बनानी है, बिल्कुल रिफाइंड की तरह चिपचिपी चाशनी बनानी है। जब तक ये चीनी घुल नहीं जाती तब तक हम अपनी गैस मीडियम रखेंगे और बाद में हम लो फ्लेम पर पकाएंगे। फ्रेंड्स, मैं इसमें थोड़ा सा फूड कलर भी डाल रही हूँ जिससे हमको इसमें केसर डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और अगर आपके पास केसर है तो डाल सकते हैं। और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। जब तक हमारी चाशनी पक रही है तब तक हम अपनी सूजी को मथ लेते हैं। इसके लिए सबसे पहले सूजी में 1 चम्मच देसी घी डालेंगे और अच्छी तरह से मथेंगे। अगर कोई गांठ आती है तो उसे निकाल देंगे और हमें सूजी को बिल्कुल ठंडा नहीं होने देना है, हमें हल्की हल्की गर्म सूजी को ही मथना है। फ्रेंड्स, हमारा डो रेडी है। अब ऊपर से भी देसी घी के हाथ चिकने करके लगाने हैं और चम्मच से थोड़ा थोड़ा डो लेना है और छोटे छोटे गुलाब जामुन बनाने हैं। गुलाब जामुन चिकने हाथ से बनाने हैं और कहीं से भी कटे फटे नहीं होने चाहिए। हमें सारे गुलाब जामुन ऐसे ही बनाने हैं। देखिए फ्रेंड्स, हमारे सारे गुलाब जामुन बन गए हैं। कितने सारे गुलाब जामुन बन गए हैं, चलिए अब इनको तलते हैं। हमने कढ़ाई में तेल डाल दिया है, आप चाहें तो देसी घी में भी तल सकते हैं। पहले हम तेल को गर्म कर लेंगे और फिर थोड़ा ठंडा करके गुलाब जामुन डालेंगे। चलिए पहले हम अपनी चाशनी को देख लेते हैं। फ्रेंड्स, मैंने गैस बीच में बंद कर दी थी क्योंकि हम सूजी मथकर गुलाब जामुन बना रहे थे। देखिए अभी चीनी भी घुली नहीं है, इसको थोड़ा और पकाएंगे और लो फ्लेम पर पकाएंगे। इतने हम अपने गुलाब जामुन तलते हैं। पहले इसमें थोड़ा सा डाल के देखते हैं। देखिए हमारा तेल बिल्कुल रेडी है। अब मैं गैस बंद कर रही हूँ क्योंकि हमारा तेल बिल्कुल रेडी है। अब इसमें एक एक करके गुलाब जामुन डालने हैं और डालते ही नहीं पलटना है, नहीं तो ये फूट जाएंगे। और थोड़े थोड़े करके ही डालने हैं गुलाब जामुन। देखिए फ्रेंड्स, हमारे गुलाब जामुन रेडी हो चुके हैं। आप चाहें तो थोड़े और डाल भी कर सकते हैं। चलिए अब इनको निकाल लेते हैं और निकालने के तुरंत बाद ही हमें गर्मा गर्म चाशनी में डालना है।
चलिए अपनी चाशनी भी देख लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, हमारे चाशनी बिल्कुल रेडी हो चुकी है। ये एक तार की चाशनी नहीं है, ये उंगली पर लगाकर देखेंगे तो रिफाइंड की तरह चिकनी लगेगी। हमें बिल्कुल ऐसी ही चाशनी चाहिए। अब गर्मा गर्म गुलाब जामुन गर्मा गर्म चाशनी में डाल देंगे, जिससे वो चाशनी एब्जॉर्ब कर ले और ये तैर रहे हैं। जैसे जैसे ये चाशनी पीते जाएंगे, ये भारी होकर नीचे बैठते जाएंगे। अब इनको ढक देते हैं, जिससे हमारी चाशनी ठंडी ना हो। अब हम अपने सेकंड बैच के गुलाब जामुन अच्छी तरह से निकाल लेते हैं और गरम गरम चाशनी में मिक्स कर लेते हैं और मिक्स कर देते हैं। और इनको कम से कम एक घंटे तक ऐसे ही रखना है, जिससे ये चाशनी एब्जॉर्ब कर लें और फूल जाएं। अब इनको ढक देते हैं। देखिए फ्रेंड्स, एक घंटा हो गया है और हमारे गुलाब जामुन रस से भर गए हैं, लग रहे हैं बिल्कुल बाजार जैसे। अब ये बिल्कुल तैयार हैं, तो चलिए इनको सर्व करते हैं। आ गया ना मुंह में पानी, लग रहे हैं ना बिल्कुल बाजार जैसे। आप अपने मेहमानों और भाई बहनों को बताइएगा नहीं कि ये गुलाब जामुन आपने घर में ही बनाए हैं। पहले आप उनको खिलाएं और फिर बताएं कि मैंने ये गुलाब जामुन घर पर ही बनाए हैं। फिर वे सब सरप्राइज हो जाएंगे और रेसिपी पूछेंगे। कैसा लगा मेरा आइडिया, कमेंट करके ज़रूर बताइए। अभी तक भी आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और बेल आइकन को दबाइए, जिससे नई नई वीडियो आप तक पहुंच सके। थैंक यू फ्रेंड्स एंड हैप्पी रक्षाबंधन फ्रेंड्स।